25वें कारगिल विजय दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये तस्वीरें इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस गवाह है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर है। उन्होंने श्रद्धांजलि, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, सत्य की भी जीत हुई थी। उस समय भारत शांति के लिए कार्य कर रहा था। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंकी हार हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। आज लद्दाख की ये महान भूमि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की गवाह बन रही है। मुझे याद है कि किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऐ देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है,